हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 8 थिंकिंग को कंटिन्यू करते हुए मैं एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसे देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन मिलेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, जब क्रिएटिव लोगों पर रिसर्च कंडक्ट की गई तो ये पता लगा कि तीन चीजें हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग को फोस्टर करती हैं। कौन कौन से तीन चीजें हैं? पहला है एटीट्यूड, दूसरा है डिस्पोजिशन और तीसरी है स्किल। ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव एक्टिविटीज डेवलप करने के लिए। तो देखो, आप किस तरह से लिखेंगे। इट रेफर्स टू सर्टेन एटीट्यूड, डिस्पोजिशन एंड स्किल्स विच फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग। देखो, पहला आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि नई चीजें डेवलप करने में, नई सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में आपको कितना इंटरेस्ट है। जितने ज्यादा आप न्यू डिस्कवरीज में इंटरेस्टेड होंगे, नई चीजें एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड होंगे, उतने ही बड़े आप क्रिएटिव थिंकर बनेंगे। दूसरा आता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन में आती है आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट। आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, कैसा आपका परसेप्शन है, कैसा आपका आउटलुक है, कितने आप ऑप्टिमिस्टिक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका आउटलुक पेसिमिस्ट हो। जितने ज्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, पॉजिटिव परसेप्शन होगा, उतने ही बड़े आप क्रिएटिव थिंकर बनेंगे। देखो, अगर आपकी पर्सनालिटी ट्रेट में न्यूरोटिकनेस है, अगर आप इमोशनली अनस्टेबल है, इम्पल्सिव नेचर है आपका, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी। क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए एकदम कामनेस चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपका मूड स्टेबल हो, जिसमें आप काम एंड क्वाइट वे से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट कर सके। क्योंकि अगर आप इम्पल्सिव वे से एग्रेशन में कोई भी सलूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो प्रॉपर सलूशन नहीं होगा। क्लियर। तीसरा आता है स्किल्स। स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने किस तरह की नई स्किल डेवलप की है, किस यूनिक वे से आप प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी को फोस्टर करने के लिए। पहला है एटीट्यूड, दूसरा है डिस्पोजिशन और तीसरी है स्किल। जिन लोगों के अंदर ये तीनों ही चीजें होती है उनके अंदर गुड क्रिएटिव थिंकिंग होती है। क्लियर। अब देखो, ये तीनों चीजें तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ मैं आपको 15 स्ट्रेटजीज बता रही हूँ जो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट आता है बिकमिंग मोर अवेयर एंड सेंसिटिव टू द सराउंडिंग। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको अवेयर होना होगा सराउंडिंग के बारे में। जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं उस एनवायरमेंट को आप स्कैन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मिसिंग है, किस तरह के गैप है, क्या डेफिशिएंसी है, ये सारी चीजें आप लोगों से इंटरेक्ट करके पता लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जनरेटिंग एज मैनी आइडियाज, रेस्पॉन्सेज, सॉल्यूशन, सजेशंस ऑन द गिवन टास्क। जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाती है तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए आप बहुत सारे आइडियाज जनरेट करते हैं, आप बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, आप डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्लाई करते हैं, एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करते हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसे आप सेलेक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है ओसबोन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आपके माइंड में फ्रीली बहुत सारे आइडियाज आते हैं, आप आइडिया जनरेट करते रहते हैं लेकिन आप किसी आइडिया को जज नहीं करते। यहाँ पर आपको आइडिया जज नहीं करना है, सिर्फ
आइडियाज एक्सप्लोर करने हैं, आपको नए से नए आइडियाज जनरेट करने हैं, ताकि आपके आइडियाज फ्लुएंट हो सके और आपके आइडियाज में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो सके। जो भी आप आइडियाज दे रहे हैं वो रिजिड नहीं होने चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, यानी उनको एज पर एनवायरमेंट हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, वो आइडियाज फ्लुएंट भी होने चाहिए, यानी एक आइडिया बहुत सारी जगह पर अप्लाई किया जा सके। तो ये होता है फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यही होती है कि आप बहुत सारे आइडियाज डेवलप करते हैं, लेकिन आप अपने आइडियाज को जज नहीं करते, आप सिर्फ आइडिया जनरेट करते रहते हैं और जो आइडिया आपको बेस्ट आइडिया लगता है उसे आप सेलेक्ट करके प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग ओरिजिनलिटी बाय कंबाइनिंग आइडियाज इमेजिनेशन, फॉर एग्जांपल रॉकिंग चेयर। देखो, जो आइडियाज आप डेवलप कर रहे हैं वो आइडिया ओरिजिनल आइडिया होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कॉपीड आइडियाज हैं, कहीं से आपने उन आइडियाज को कॉपी कर लिया। आप नए आइडियाज दो चीजों को कंबाइन करके भी बना सकते हैं, जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया है कि जब आप चेयर और सीसा को कंबाइन करते हैं तो बन जाती है रॉकिंग चेयर। तो आप कॉम्बिनेशन के थ्रू भी, इमेजिनेशन के थ्रू भी नए आइडियाज डेवलप कर सकते हैं जो ओरिजिनल आइडियाज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगेजिंग इन एक्टिविटी विच रिक्वायर इमेजिनेशन एंड थिंकिंग रादर देन रूटीन वर्क। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपको रूटीन वर्क की बजाय ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए जिनमें इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें क्रिएटिव थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप घर को डेकोरेट कर रहे हैं, ओल्ड प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर रहे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मल्टीपल वेज में यूज कर रहे हैं, नई नई आप पजल्स डेवलप कर रहे हैं, रिडल्स डेवलप कर रहे हैं, स्टोरीज और पोइम को आप ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इन सब में आपको इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी और क्रिएटिव थिंकिंग की। जो रूटीन वर्क है, रूटीन एक्टिविटीज है, उसमें तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपको उन एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज होना चाहिए जिसमें आपको इमेजिनेशन और क्रिएटिव थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर एक्सेप्टिंग द फर्स्ट आइडिया सॉल्यूशन, जनरेट मेनी आइडियाज एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। देखो, कभी भी आपको फर्स्ट आइडिया सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहला आइडिया सेलेक्ट कर लिया तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी स्टॉप हो जाएगी और नए आइडियाज आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जनरेट नहीं करेंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए और जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गेटिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स ऑन योर सॉल्यूशन। देखो, जो सॉल्यूशन आपने प्रॉब्लम के लिए फाइंड आउट किया है उस सॉल्यूशन को दूसरे लोगों को बताना चाहिए, ताकि वो उसको इवेल्युएट करके आपको उसका फीडबैक दे सके। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग हाउ अदर्स मे सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। जब दूसरे लोग सेम प्रॉब्लम के लिए अपना सॉल्यूशन देते हैं तो उसे भी आपको चेक करना चाहिए, उसके लिए भी अपनी थिंकिंग अप्लाई करनी चाहिए कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है, क्या ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम पर फिट हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गिविंग योर आइडियाज द चांस टू इनक्यूबेट, डोंट बी इन हरी। देखो, जब आप कोई आइडिया डेवलप कर रहे हैं और जब कोई आइडिया आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। आपको अपने आइडिया को डेवलप होने का चांस देना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि कई बार आप स्टक हो जाते हैं जब कोई आइडिया आप डेवलप करते हैं और वो आइडिया बेस्ट सूटेड नहीं होता है प्रॉब्लम के लिए, तो थोड़ी देर के लिए आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि जब आप रुक जाते हैं तो सडनली नए आइडियाज आपके माइंड में स्ट्राइक करते हैं। तो आपको कभी भी कोई आइडिया लगाने से पहले जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जब आप आइडिया इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसे एक प्रॉपर टाइम लेकर
इवेल्युएट करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज समटाइम्स आइडिया क्लस्टर लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, इवेल्युएट ईच आइडिया केयरफुली. देखो कई बार क्या होता है कि आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं. जैसे एक ट्री में जब बहुत सारी ब्रांचेस आपस में अलग जाती हैं तो वहां एक क्लस्टर बन जाता है. तो इसी तरह से आइडियाज का क्लस्टर भी आपके माइंड में डेवलप हो जाता है. तो कभी भी आपको क्लस्टर ऑफ आइडियाज को एक साथ इवेल्युएट नहीं करना चाहिए. आपको इंडिविजुअल आइडिया को केयरफुली इवेल्युएट करना चाहिए, तभी आप एक बेस्ट आइडिया सेलेक्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्ट द टेम्पटेशन फॉर इमीडिएट सक्सेस और रिवार्ड. देखो जब भी आप कोई नया आइडिया देते हैं तो आपके माइंड में ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा आइडिया इमीडिएटली सक्सेस अचीव करेगा, मैं रिवार्ड अचीव करूंगा. देखो जब कोई भी आइडिया आता है तो लोगों को टाइम लगता है उस आइडिया को एक्सेप्ट करने में. तो फेलियर और रिजेक्शन को भी कोप करना आना चाहिए आपको. इन दोनों को भी हैंडल करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग विदाउट एनी हेल्प और रिसोर्स. जब भी आप कोई क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, कोई आइडिया जनरेट करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वे से उसे जनरेट करना चाहिए. किसी रिसोर्स पर या किसी पर्सन पर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए. जैसे मेरे पास जब इंटरनेट होगा, जब मैं आइडिया सोचूंगा, या मेरा कोई फ्रेंड आएगा तो हम आपस में डिस्कस करके आइडिया डेवलप करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आपको इंडिपेंडेंट वे से ही आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहिए. आपको सर्कमस्टांसेस को स्कैन करना चाहिए, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, माइंड को यूज करके आइडिया को डेवलप करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअलाइज कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस एंड थिंक अहेड. देखो जब भी आप कोई नया आइडिया डेवलप कर रहे हैं, जब भी कोई यूनिक आइडिया आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उस आइडिया के पीछे के कॉजेस भी आपको पता होने चाहिए और फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि मैं जो आइडिया दे रहा हूँ, फ्यूचर में इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो आपको इन दोनों ही बातों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो आइडिया मैंने डेवलप किया है वो किस कॉज की वजह से डेवलप किया है और आगे इसके क्या रिजल्ट्स होंगे. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज बी अवेयर ऑफ योर ओन डिफेंसेस कंसर्निंग द प्रॉब्लम. देखो कई बार क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और एक प्रॉपर सोल्यूशन हमें बहुत देर तक नहीं मिल पाता है तो हम स्टक हो जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं. तो हमें डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई करना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें स्ट्रेसफुल कर देगी, जो हमें प्रेशराइज कर देगी, क्योंकि हमें स्ट्रेस मैनेजिंग टेक्निक के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम स्ट्रेस को हैंडल करेंगे. अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर आता है तो उस प्रेशर में हम किस तरह से एक प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. एंड लास्ट टेक्निक इज बीइंग कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एंड फियरलेस. देखो जो भी आइडियाज हम डेवलप कर रहे हैं, जो आइडिया हम लोगों को दे रहे हैं, उस आइडिया के लिए हम फुली कॉन्फिडेंट होने चाहिए, हम फुली मोटिवेटेड होने चाहिए. इसके साथ साथ हमारा पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. और जो आइडिया हमने डेवलप किया है उस आइडिया को हमने फियरलेसली डेवलप किया है. किसी के प्रेशर में, किसी की धमकी से, किसी की थ्रेटनिंग से हमने वो आइडिया डेवलप नहीं किया. क्लियर. तो होपफुली ये 15 स्ट्रेटजीज हैं क्रिएटिव थिंकिंग की, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.